विशेष ओलंपिक भारत चंडीगढ़ के 6 स्पेशल एथलीटों को मार्च 19 को अबू धाबी में आयोजित होने वाले ग्रीष्मकालीन विश्व खेलों में भाग लेने के लिए चुना गया था। आज शहर में वापिस आने पर उनका हार्दिक स्वागत हुआ। कुल में 282 एथलीट और 73 कोच हैं जिन्हें पूरे भारत से चुना गया था। चुने गए चंडीगढ़ से एथलीटों के नाम रहे हार्दिक पाहवा बास्केटबॉल सिल्वर मेडल विजेता, हार्दिक अग्रवाल रोल स्केटिंग 300 मीटर ब्रांज 500 सिल्वर, जतिन कश्यप एथलेटिक्स 100 मीटर छठा स्थान, पिंदर सिंह जुडो चौथा स्थान, मनी सिंह साइकिल। चंडीगढ़ से चुने गए कोच के नाम इस प्रकार रहे, राकेश कुमार प्रदीप डोकरा शीतल नेगी। ये जानकारी आज सेक्टर 17 बस स्टैंड में नीलू सरीन क्षेत्र निदेशक विशेष ओलंपिक भारत चंडीगढ़ ने दी। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर ने भी इन सभी स्पेशल बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं पत्र लिखकर दी। स्पेशल बच्चे हैं और आज टेबल टेनिस के अंदर चंडीगढ़ के 4 बच्चे गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, तो शायद इससे चंडीगढ़ के वासियों का खुशी का ठिकाना नहीं है। आज हम सब जितने भी चंडीगढ़ के लोग हैं, चाहे मैडम नेगी जी है या और अन्य भी है, सभी आज यहाँ खुशी के माहौल ढोल धमाके से हम उस टीम का स्वागत करने के लिए आए। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चंडीगढ़ के लोगों के बीच में बहुत खुशी की लहर है और ये एक तरह से चंडीगढ़ के लोगों को होली का तोहफा। जो इनकी कोच है मैं उसको धन्यवाद करना चाहता हूँ, शीतल नेगी को, जिसकी अथक प्रयास से ये लोग आज वर्ल्ड लेवल पर जिस तरीके से इन लोगों ने मेडल जीते हैं, तो शायद एक बहुत ही सराहनीय काम है। और इसमें इन जितने भी ये बच्चे हैं मेंटल डायरेक्शन, इनका भी मान सम्मान, परिवारों को भी बड़ी खुशी है। धन्यवाद। सरीनू एरिया डायरेक्टर स्पेशल ओलंपिक्स चंडीगढ़ चैप्टर, आज बहुत बहुत खुशी का दिन है। हमारे स्पेशल एथलीट्स वर्ल्ड गेम्स में इतने मेडल्स प्राइजेस जीत के आए हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती कि हम चंडीगढ़ वाले कितने कितने खुश हैं। थैंक यू। आज वर्ल्ड गेम्स में जो बच्चे मेडल लेके आए हैं, ये जैसे हमारा नॉर्मल हम कहते हैं ना रियो ओलंपिक्स होता है, वैसे ही स्पेशल ओलंपिक्स होता है। ये पैरा ओलंपिक्स से बहुत डिफरेंट है, ये पैरा ओलंपिक्स अलग है, स्पेशल ओलंपिक्स अलग है। और इसके कैंप्स लगते हैं, पहले जो हमारे एथलीट हैं ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंप्लीट टूर्नामेंट करते हैं, फिर ये अपना स्टेट लेवल का टूर्नामेंट करते हैं, फिर नेशनल, फिर जो ऊपर आता है फिर ये इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं। और सेम एथलीट्स के साथ और सेम कोचेस के साथ होता है। अभी साल 2 साल पहले से इनके कैंप स्टार्ट हो जाते हैं, अलग अलग जगह पे इनके कैंप्स लगते हैं, गुड़गांव जहाँ पे इनकी कंडीशनिंग होती है, गेम वाइज इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, इनकी फिटनेस, हर एक चीज़ को होता है। और आज इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, लाइक इंडिया हैज़ वॉन 368 मेडल्स एंड दैट टू 82 गोल्ड मेडल्स, 153 सिल्वर मेडल, 124 ब्रॉन्ज मेडल। सो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू कि हमारे दिव्यांगजन भी, जैसे मोदी जी का सपना था कि दिव्यांगजन भी ऊपर आए, तो हम भी अपना एक लेवल जो हमारे एथलीट से दिखा रहे हैं। और ये नहीं कि हम ये नहीं कहना चाहते उनको कि इनको सिंपैथी दिखाओ, इनको एक क्लास दो, बिकॉज दे आर विद अस, क्योंकि वो हमारे ही पार्ट है। उनको सोसाइटी को एक ये मैसेज देना चाहते हैं कि इनको अलग मत समझो, क्योंकि अगर इंक्लूड करके देखोगे तो शायद ये हमसे लेवल ऊपर है, दैट इज़ वाई दे आर स्पेशल, यू नो। सो टेक देम एज अ प्रायोरिटी दैट दे पीपल आर जस्ट लाइक अस ओनली। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश टीवी के लिए मनदीप गौतम की रिपोर्ट।